क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। विश्व कप 2019 के 22वें मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में टीम इंडिया का जलवा बरकरार रहा। विराट कोहली कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की लय को कायम रखा और 7वीं बार पाकिस्तान को टीम इंडिया के खिलाफ हार मिली। विश्व कप में भारत ने अपनी बादशाहत पाकिस्तान पर कायम रखी और सरफराज की टीम को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में 89 रनों से हराया। विश्व कप में पहली बार भारत और पाकिस्तान का सामना साल 1992 में सिडनी में हुआ था। पहली बार हुए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 43 रन से पटकनी दी थी। इसके बाद भारतीय टीम की जीत का सिलसिला लगातार जारी है और ये इस विश्व कप में भी जारी रहा। एक नजर डालते हैं इस आंकड़े पर कि किस विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को कहां और कितने रन से हराया है। 1992 वर्ल्ड कप में जो सिडनी में हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को 43 रनों से हराया था। इसके बाद 1996 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का सामना बेंगलुरु में हुआ। भारत ने यह मैच 39 रनों से जीता था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान 1999 वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर में भिड़े थे। इस मैच को भारत ने 47 रनों से जीता था। इसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में सेंचुरियन में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पीटा था। इसके बाद साल 2011 जब भारत विश्व विजेता बना था तो मोहाली में सेमीफाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 29 रनों से हराया था। 2015 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 76 रनों से हराया था और अब 2019 वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर में भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से हराया है। इस विश्व कप के मुकाबले से 20 साल पहले मैनचेस्टर में एक बार भारत और पाकिस्तान का सामना हो चुका था। उस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 47 रन से हराया था। अब 20 साल के बाद भारत ने अपने उस कमाल को कायम रखा और इस मैदान पर विश्व कप में दूसरी बार पाकिस्तान को हराया। मैनचेस्टर में भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से हराने का काम किया। आपको बता दें इस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप में दूसरा शतक था। रोहित शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया।